नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में भारतीय मूल के पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर ऋषि राज पोपट काफी खबरों में थे। इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी के 2500 साल पुराना एक राज खोला है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि महर्षि पाणिनि कौन थे, इनकी अष्टाध्यायी है किस चीज के लिए, इनकी अष्टाध्यायी में कौन से एक मेटा रूल की इंटरप्रिटेशन गलत थी जिसे डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने अपनी पीएचडी थीसिस इन पाणिनि वी ट्रस्ट में सही किया है। देखिए दोस्तों, ऋषि पाणिनि जिन्हें फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये 4th century BC में यानी बिफोर क्राइस्ट में रहे होंगे। ये वो समय था जब भारत में अलेक्जेंडर का हमला हो रहा था और नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंक के मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहा था। कई हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ऐसा भी माना जाता है कि पाणिनि 6th century BC के लगभग रहे होंगे, जो कि समय था बुद्धा और महावीरा का। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पाणिनि सालतुरा यानी गंधारा, जो आज के समय नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है, वहां पे रहा करते थे। ये महान यूनिवर्सिटी तक्षशिला से निकले थे, जिन्होंने इस संसार को कौटिल्य और चरक जैसे महर्षि भी दिए। कौटिल्य जिन्हें मास्टर ऑफ स्टेटक्राफ्ट और चरक जिन्हें मास्टर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इंडोलॉजिस्ट एएल बाशम ने 1954 में अपनी एक किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टा यानी आठ, अध्याय मतलब चैप्टर्स, पाणिनि ने अपने ग्रेट ग्रामर अष्टाध्यायी यानी 8 chapters को जब कंपोज किया तो उस समय संस्कृत अपने क्लासिकल फॉर्म में पहुंच चुकी थी। इसके बाद संस्कृत की सिर्फ वोकैबुलरी ही डेवलप हुई और संस्कृत में कुछ भी डेवलप नहीं हुआ वोकैबुलरी के अलावा। पाणिनि से पहले भी संस्कृत ग्रामर में बहुत से लोगों ने काम किया था, लेकिन पाणिनि के ग्रामर ने संस्कृत लैंग्वेज को इफेक्टिवली स्टेबलाइज किया था। पाणिनि से पहले जितने भी संस्कृत ग्रामर पे काम हुए थे, वहाँ पे रूट को एक बेसिक एलिमेंट ऑफ अ वर्ड, एक शब्द का रूट जो है उसे उसका बेसिक एलिमेंट माना जाता था, रिकॉग्नाइज किया जाता था, और जिसके तहत 2000 मोनोसिलेबिक रूट्स को क्लासिफाई किया था, जहाँ पे उन मोनोसिलेबिक रूट्स के साथ जब प्रीफिक्स, सफिक्स और इन्फ्लेक्शंस लगाए जाएंगे तो उस भाषा के पूरे वर्ड्स जो है वो उसको देगा। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 4000 ग्रामेटिकल रूल्स को दिया था। बाद में पाणिनि के काम के ऊपर महाभाष्य 2nd century में और कशिक वृत्ति जयादित्य और वामना के द्वारा 7th century AD में लिखा गया, जो कि मोस्टली कमेंट्रीज थी पाणिनि के ऊपर। 2000 साल पहले लिखी गई महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी एक लिंग्विस्टिक टेक्स्ट है जो स्टैंडर्ड सेट करता है कि संस्कृत कैसे लिखी और बोली जाएगी। अष्टाध्यायी काफ़ी इनडेप्थ बात करता है लैंग्वेज के फोनेटिक्स की, सिंटेक्स की, ग्रामर की, और ये एक लैंग्वेज मशीन की तरह काम करता है कि जब आप किसी भी रूट और सफिक्स को इसके अंडर डालोगे तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड और सेंटेंस जो है वो वापस आपको देगा। ये इंश्योर करने के लिए कि ये लिंग्विस्टिक मशीन एक्यूरेटली काम करे, पाणिनि ने 4000 रूल्स को लिखा, डिक्टेट किया। लेकिन जब आने वाले स्कॉलर्स ने ये 4000 रूल्स को स्टडी किया तो उन्होंने कई जगह ऐसा पाया कि कई ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रूल्स लग रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न होने लगी। तो उस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए ऋषि पाणिनि ने एक मेटा रूल दिया। मेटा रूल यानी अ रूल गवर्निंग रूल्स, मतलब ये जो 4000 रूल्स हैं इन सारों को गवर्न करने वाला एक रूल, जिसको कहा गया मेटा रूल। अब मेटा रूल पाणिनि ने दे दिया और दे के छोड़ दिया। आने वाले जितने भी ऋषि हुए या स्कॉलर्स हुए, उन्होंने उस मेटा रूल को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। हिस्टोरिकली जो इसकी इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि जब भी इक्वल स्ट्रेंथ के दो रूल्स कहीं पर भी लगेंगे तो वहाँ पे अष्टाध्यायी के जो सीरियल ऑर्डर है 4000 ग्रामेटिकल रूल्स का, उसमें जो रूल लेटर यानी बाद में आएगा उसका यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक वर्ड है जहाँ पे इतने ज़्यादा रूल्स में से दो रूल लग रहे हैं, रूल 3 और रूल 6। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये आगे पूरा 4000 रूल्स हैं, हमारे पास एक वर्ड है वहाँ पे रूल 3 भी लग रहा है, रूल 6 भी लग रहा है, तो अष्टाध्यायी में जो सीरियल ऑर्डर में बाद में आएगा, द रूल दैट कम्स लेटर इन द सीरियल ऑर्डर ऑफ द अष्टाध्यायी विंस, यानी वो रूल लगेगा। तो इस केस में 3 और 6 में लेटर या बाद में कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये जो 6 रूल है ये
इस शब्द में लगेगा, यानी जो भी रूल बाद में आएगा अष्टाध्यायी में वो ये रूल लगेगा। ये इंटरप्रिटेशन थी पाणिनि के मेटा रूल की, लेकिन इस इंटरप्रिटेशन से भी काफ़ी कंफ्यूजन होने लगी और जो मशीन प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई। इसके ऊपर भी जब ऋषियों ने स्कॉलर्स ने काम किया और ये रूल लगाया तो वहाँ पर भी काफ़ी एक्सेप्शंस आ रही थी, जहाँ पे जो वर्ड में इस प्रकार के रूल्स लगाए जा रहे थे तो वहाँ से ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड या सेंटेंस नहीं निकल कर आ रहा था। उसके बाद के स्कॉलर्स ने क्या किया, जब एक्सेप्शंस आने लगी तो एडिशनल रूल्स बनाना शुरू कर दिया कि अच्छा यहाँ पे ये रूल बना दिया जाए, यहाँ पे ये रूल बना दिया जाए। यहाँ पर डॉक्टर ऋषि राजपोपट की डिस्कवरी आती है। डॉक्टर ऋषि राजपोपट ने अपनी पीएचडी थीसिस इन पाणिनि वी ट्रस्ट में ये कहा है कि ये जो पाणिनि का मेटा रूल है इसको रॉन्गली गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, गलत तरीके से इसकी व्याख्या जो है पूरे इतिहास में वो की गई है। डॉक्टर ऋषि राजपोपट ने कहा कि पाणिनि के मेटा रूल का असली मतलब ये था कि अगर किसी भी शब्द में दो रूल्स लग रहे हैं, एक राइट साइड को एक लेफ्ट साइड को, तो जो रूल राइट साइड को लगेगा, राइट हैंड साइड को जो रूल लग रहा होगा हम उसे लगाएंगे, उसे मान्यता देंगे, वो रूल जो है वो विन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये एक वर्ड है, यहाँ पे एक रूल लेफ्ट साइड को भी लग रहा है, एक रूल राइट साइड को भी लग रहा है, तो हम तवज्जो किसको देंगे, कहाँ पे हम रूल लगाएंगे, राइट साइड में जो रूल लग रहा होगा हम उसे लगाएंगे। ये लॉजिक लगाने के बाद डॉक्टर राजपोपट ने ये पाया कि अष्टाध्यायी अब जाके एक्यूरेट लैंग्वेज मशीन बन रही है, कि जब भी हम इस प्रकार से मेटा रूल लगा रहे हैं तो एवरी टाइम हर बार ये ग्रामेटिकली साउंड वर्ड्स और सेंटेंस जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कि राइट और लेफ्ट के रूल्स का मतलब क्या हुआ, हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन आती है देवा प्रसन्ना मंत्र्यः, यानी कि जो देव हैं, जो भगवान हैं, जो गॉड हैं, वो प्रसन्न होते हैं, प्लीज होते हैं मंत्रों से, भगवान जो है वो मंत्रों से प्लीज होते हैं। यहाँ पे एक जो शब्द है मंत्रः, यहाँ पे रूल कन्फ्लिक्ट जो है वो आता है। मंत्रः शब्द की जो डेरिवेशन है वो होती है मंत्रा प्लस भिस। अब यहाँ पे दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड रूल लगाया जा सकता है, तो हम कहाँ पे रूल लगाएंगे, हम रूल लगाएंगे राइट साइड। जब हम राइट साइड में रूल लगाएंगे, राइट पार्ट जो है भिस, वहाँ पे जब हम रूल को एप्लीकेबल करेंगे तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड देगा मंत्रः। तो आप देखिए MANTRAIH, तो यहाँ पे जो मंत्रा प्लस भिस था उसमें मंत्रा तो मंत्रा ही रहा और जो ये भिस है ये बदला, तो यहाँ से ऐसे करके ये ग्रामेटिकली करेक्ट जो है या ग्रामेटिकली साउंड वर्ड और सेंटेंस जो है वो देगा जब हम राइट साइड को रूल लगाएंगे। उसी प्रकार से ज्ञानम दियते गुरुना, ज्ञानम नॉलेज, दियते मतलब गिवन और गुरुना मतलब गुरु, तो नॉलेज इज गिवन बाय गुरु या जो ज्ञान है वो गुरु देता है। यहाँ पे जो शब्द है गुरुना ये आएगा, इसके जो डेरिवेशन है ये स्टार्ट होती है गुरु प्लस अहा से। यहाँ पे एक रूल गुरु में भी लग सकता है, एक रूल आ में भी लग सकता है, तो हमने कहाँ पे लगाना है, हमने राइट साइड लगाना है, तो उससे जो है वो ग्रामेटिकली साउंड वर्ड जो है वो निकलेगा, दैट इज गुरु ना। तो चेंज कहाँ पर आया, गुरु से गुरु रह गया, हमें यहाँ पे आपके पास ना जो है वो आया, तो ऐसे बना ये ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड गुरु ना। तो जब हम ये लॉजिक लगाते हैं, यानी मेटा रूल का मतलब कि जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा रूल लग रहे हैं, या मान लो एक तरफ राइट साइड में रूल लग रहा है, एक लेफ्ट साइड में रूल लग रहा है, तो जहाँ पर भी राइट साइड में रूल लगेगा हम उसको तवज्जो देंगे। ये एक्चुअल मतलब था पाणिनि के अष्टाध्यायी में 4000 ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर लिखे मेटा रूल का, ये इंटरप्रिटेशन दी गई डॉक्टर ऋषि राजपोपट जी के द्वारा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस पजल को सॉल्व करने के लिए इतने ज़्यादा समय, इतने ज़्यादा साल क्यों लगे, तो डॉक्टर ऋषि राजपोपट जी का ये कहना है कि देखो आसान शब्दों में एक तो होगी अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी, बाकी फिर जो इसके ऊपर काम हुए, यानी बाकी स्कॉलर्स ने जो अपना काम, जो अपनी टिप्पणी अष्टाध्यायी के ऊपर करी, या तो टिप्पणी करी या इंटरप्रिटेशन करी, जो भी है, उसके बाद फिर जो स्कॉलर्स आए
उन्होंने ये जो अष्टाध्यायी के ऊपर काम हुआ है इसे स्टडी किया, बजाय इसके कि वो अष्टाध्यायी को स्टडी करें। स्कॉलरशिप इज बिल्ड अपॉन द राइटिंग्स ऑफ अदर स्कॉलर्स एंड नॉट नेसेसरीली द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है अष्टाध्यायी, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई, बल्कि उसके ऊपर जो और स्कॉलर्स ने किताबें लिखी, टिप्पणी लिखी, इंटरप्रिटेशन लिखी, उसके ऊपर जो है वो स्कॉलरशिप बिल्ट हुई, उसके ऊपर ही स्टडी हुई। यही एक कारण है कि असल में अष्टाध्यायी के इस मैटर रूल को समझने में इतना समय लगा। तो यह था दोस्तों 2500 साल पहले लिखी गई पाणिनी जी की अष्टाध्यायी का एक ऐसा रूल जिसको करेक्ट इंटरप्रिटेशन अब जाके डॉक्टर ऋषिराज पोपट जी के द्वारा मिली है, जो कि भारतीय मूल के पीएचडी स्कॉलर हैं। इन्होंने अपनी थीसिस इन पाणिनी वी ट्रस्ट में पाणिनी के मैटर रूल की ये इंटरप्रिटेशन दी और जस्टिफाई किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जी के वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।